उसको हम रखते थे अपने बॉडी में ताकि उसका टेम्परेचर उसमें आ सके और फिर हम चेक करते थे कि हमें फीवर है या नहीं है। ठीक है, ये जो है ओल्ड क्लिनिकल टेम्परेचर आपका थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर को करने के लिए था, बट अब डिजिटल आ गया जिसको हम माउथ में नहीं लेते हैं, हम आपको उसको आपके सर पे रख देते हैं या फिर आपकी बॉडी पार्ट में यानी कि आपके दूसरे बॉडी पार्ट में लगा के आपके क्या कहते हैं टेम्परेचर को चेक करते हैं। और अगर आप आज के टाइम में देखें आप जैसे हम किसी को टच नहीं करते तो एक डिजिटल जो है वो ये सिर्फ आपके आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे हैंड पे रखेंगे या फॉरहेड पे रखेंगे दूर से ताकि आपका टेम्परेचर उसमें आ जाए। तो ये जो है आपका डिजिटल थर्मोमीटर के अंदर आता है, राइट। तो मैंने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बुक से रीड करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज नॉट फिक्स्ड एट ऑल द टाइम्स। तो उन्होंने कहा जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इट चेंज अकॉर्डिंग टू आर एनवायरमेंट, यानी कि जो हमारे आसपास का वातावरण है उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है। जैसे कि आप नोटिस करेंगे अगर आप किसी ठंडी जगह पे हैं तो आपका टेम्परेचर जो है डाउन होगा, और अगर आप बहुत ज्यादा गर्म जगह पे हैं तो आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज अबाउट, तो हमारा जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उन्होंने कहा ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है डिग्री मेजरमेंट है कि आपके बॉडी को कैसे हम आपके बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। जैसे हमारे बॉडी का वेट अगर हमें मेजर करना हो तो हम किलो में करेंगे, राइट। इसी तरीके से अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमें मेजर करना है तो हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में करेंगे। सेल्सियस के लिए